हमारी टीम का वो मैच विनर था, तो जो भी टूर्नामेंट्स हम लोग जीते थे उसमें धोनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो धोनी जहां पर भी गया है वो अपना नाम अपना छाप छोड़ करके गया। हम इस वक्त हैं आदिल हुसैन के साथ, क्रिकेट जो है इन्होंने जमकर खेला है, कप्तान भी रहे हैं और सीसीएल के कप्तान रहे हैं जहां से धोनी खेला करते थे, इस वक्त हमारे साथ हैं। और देख सकते हैं इनका ये जो चेम्बर है ये तमाम जो कप्स है उससे भरे हुए हैं और ज्यादातर जो है विनर रनर ये जो है आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे मैन ऑफ द मैच और ये तमाम ट्रॉफीज जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो क्रिकेटर थे उनके फोटोग्राफ्स भी हैं। इनसे बात करते हैं जब धोनी इनके पास आए थे उस वक्त जो है किस तरह से खेलते थे वो और किस तरह का उनका जो है खेलने का रिफ्लेक्सेस था, एग्रेसिव खेलना चाहते थे और क्या इनकी यादें उनसे जुड़ी हुई है, इनसे सीधे बात करते थे। सर ये बताइए कि उस वक्त जब आप लोग आपके पास आए उस वक्त क्या उम्र उनका रहा होगा धोनी? देखिए क्लास 11th में था धोनी उस वक्त, हाँ, जब सीसीएल से खेलना शुरू किया। हाँ। और जैसा कि आपने बताया अभी कि कैसा खेलते थे क्या करते थे, तो धोनी एक ऐसा खिलाड़ी था जो बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर था। हाँ। और जिस मैच में भी वो खेलता था चाहे वो कम रन बनाए या ज्यादा रन बनाए पब्लिक का अट्रैक्शन उसी की तरफ होता था क्योंकि बहुत हार्ड हिटर था, लंबा लंबा छक्का मारता था, हेलीकॉप्टर शॉट वगैरह बड़ा फेमस बहुत फेमस था। और सबसे अच्छी बात कि हमारी टीम का वो मैच विनर था, तो जो भी टूर्नामेंट्स हम लोग जीतते थे सीसीएल जो भी टूर्नामेंट जीती है उसमें धोनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। किस डाउन पे भेजते थे उनको बैटिंग करना? देखिए धोनी जब यहाँ पर खेलना शुरू किया तब बहुत जगह वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता था, लेकिन यहाँ पर सीसीएल में हम लोग उससे ओपन करवाते थे क्योंकि ओपन करवाते थे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड ओवर का मैच है। हाँ। और इतना अच्छा प्लेयर था कि वो अगर ओपन कर रहा है और कुछ ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलने का उसको मौका मिलता था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मौका और अगर उसने हिट किया तो फिर अगला टीम जो है उनके ऊपर प्रेशर माउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धोनी अपने खेल से सीसीएल को बहुत सारी खुशियां दिया है, बहुत सारी ट्रॉफी जिताया है सीसीएल को, तो हम लोगों की तो यादें हमेशा धोनी के साथ जुड़ी रहती है। और पूरा सीसीएल क्या कहते थे आपको, कुछ ऐसा आपसे अगर कुछ उस तरह का कनेक्शन कनेक्टिविटी उस वक्त तो रहा हो? देखिए धोनी को अगर आप याद कीजिए कि जब वो सीसीएल खेला करता था या स्कूल टाइम में था, उनके जितने दोस्त हैं, दोस्तों से खैर बात करता भी होगा लेकिन अगर पुराने क्रिकेटर से बात कीजिए जो उस वक्त सीनियर थे उससे, धोनी बिल्कुल शांत रहता था, बहुत कम बोलता था, वो बहुत कम बोलता था लेकिन ग्राउंड के अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो अनपैरेलल था, वो बिल्कुल अनपैरेलल था। चाहे वो जैसे हम लोग शीश महल खेलने गए, अपोनेंट में कुछ इंडियन प्लेयर्स भी खेला करते थे, उससे वो कभी भी परेशान नहीं होता था कि कोई इंडियन प्लेयर है या कुछ भी है, वो और भी अच्छा खेलने की कोशिश करता था और अच्छा खेला, वहां पे लोग उसको याद करते थे। लखनऊ में उस वक्त जब हम लोग गए थे तो बहुत बड़ा नाम नहीं था उस वक्त धोनी, लेकिन सब लोग यही आकर के बोलते थे आपका ओपनर बड़ा तेज मारता है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, ये बातें होती थी। तो धोनी जहां पर भी गया है वो अपना नाम अपना छाप छोड़ करके गया। बिल्कुल धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये आदिल हुसैन साहब, इनका साफ तौर से कहना है कि कप्तान ये बेशक थे लेकिन वो बोलते काफी कम थे, शांत रहते थे, कूल एंड काम, और वो एनर्जी जो था वो गेम प्लानिंग में लगाते थे और क्रिकेट खेलने में लगाते थे। जब खेलते थे तो उसी एनर्जी का वो उपयोग करते थे और लंबे शॉट्स खेलते थे जिसकी तारीफ हर कोई करता था। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।